तो जब मैंने Nexon ZX Plus की PDI करी, वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो जब हम सबसे पहले गाड़ी को चेक करने के लिए स्टोकयार्ड गए, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी वहाँ पे, बड़ी घोचपोच थी। फिर बड़ी मुश्किल से हमने हमारी गाड़ी को ढूंढा और बाहर निकाला, अच्छे से उसको धुलवा के अपनी सेटिस्फैक्ट्री के लिए हमने धूप में पार्क किया और तसल्ली से बारीकी के साथ उसको चेक किया, क्योंकि धूप में जो स्क्रैचेस होते हैं फिर अलग से कुछ पेंट लगाया जाता है वो ढंग से विजिबल होता है। हमारी गाड़ी में भी हमें दो स्क्रैचेस मिले, लेकिन एक चीज जो मेरे को थोड़ी बुरी लगी वो थी जो सेल्स पर्सन हमारे साथ आए थे वो थोड़ा जल्दबाजी कर रहे थे, और जल्दबाजी इस मामले में थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी कार है और आप पीडीआई करने आए हो तो आपको पूरा हक है आप अच्छे से पीडीआई करो। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, मे बी दूसरे कस्टमर को संभालना था या फिर मे बी कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन जो जल्दबाजी थी वो ठीक नहीं थी। बाकी उन्होंने अच्छे से कोऑपरेट किया, हमने भी अपनी साइड से अच्छे से कोऑपरेट किया और हमने अपनी कार को सही से चेक किया, और इस पीडीआई एक्सपीरियंस को मैं देना चाहूंगा 4 स्टार। तो 1 स्टार मैंने उस जल्दबाजी का काटा है, क्योंकि यार जब आप 12-13 लाख रुपए की कार खरीदते हो एटलीस्ट आप इतनी सेटिस्फेक्शन तो डिजर्व करते ही हो। बाकी आप जब भी अपनी कार की पीडीआई करें पूरी तसल्ली के साथ और आराम से करें।